हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल. माय सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता. बच्चों, आज हम इनवर्टिबिलिटी एंड आइसोमॉर्फिज्म वाले सेक्शन में थ्योरम 2.20 प्रूफ करेंगे. ये थ्योरम आपकी क्या है, इसको देखते हैं, इसका प्रूफ करते हैं. देखो बेटा, आपकी थ्योरम क्या है कि लेट वी एंड डब्ल्यू बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस ओवर एफ एंड हैविंग डायमेंशन एन एंड एम. जब ये फाइनाइट डायमेंशनल है तो इनके बेसिस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो इनकी डायमेंशन बनेगी. तो वी की डायमेंशन हमने एन ले ली, डब्ल्यू की डायमेंशन हमने एम ले ली है, और इनके जो बेसिस लिए वो हमने बीटा और गामा ले लिए. ठीक है, तो फिर हमने ये एल वी डब्ल्यू क्या होता है इसको जरा रिकॉल कर लें. एल वी डब्ल्यू इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू डब्ल्यू. ठीक है, सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. और ये एम एम बाई एन क्रॉस एफ क्या होता है, इट इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एम बाय एन विद एंट्रीज फ्रॉम द फील्ड एफ. तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप जो है एक मैपिंग डिफाइन कीजिए इस वाले वेक्टर स्पेस से एल वी डब्ल्यू से मैट्रिसेस पर. और वो कैसे डिफाइन होगी, देखो एल वी डब्ल्यू का कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, टी. टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, तो कोई भी इसका एलिमेंट हो गया टी. ठीक है, तो फाई टी क्या होगा, आपको पता है हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स हमें मिल जाता है विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस. तो वो मैट्रिक्स हम निकाल लेंगे. तो वो मैट्रिक्स, ये नोटेशन, यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस नोटेशन. नाउ मैं एक बारी फिर से रिकॉल करा देती हूँ. देखो, अगर मेरी टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी से डब्ल्यू पर, वी का बेसिस है बीटा और गामा का बेसिस, डब्ल्यू का बेसिस है गामा, तो जो हम इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे दैट इज रिटन एज दिस. सो डोमेन का बेसिस नीचे की तरफ लिखते हैं और कोडोमेन का बेसिस ऊपर की तरफ लिखते हैं. और इसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जो भी आप मैट्रिक्स यहाँ पे बनाएंगे उसमें बीटा के अगर एलिमेंट्स हैं वी वन वी टू वी एन, तो टी वी वन का कोऑर्डिनेट वेक्टर फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, टी वी टू का सेकेंड में, टी वी थ्री का कोऑर्डिनेट वेक्टर नेक्स्ट में, जो भी इनकी डायमेंशन है टी वी एन का लास्ट में लिखेंगे. ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया. तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स ले लिया. ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये जो मैपिंग आपने डिफाइन करी है ये आइसोमॉर्फिज्म बनाएगी. ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म का क्या मीनिंग है, अब कि इन दोनों के बीच में एक इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी हमें, या फिर हम अभी जो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने थ्योरम करी है उस थ्योरम का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं कि दोनों के डायमेंशन सेम है. तो आपके पास ये एक मैपिंग है, हमें शो करना है ये आइसोमॉर्फिज्म है. तो हमें जो भी चीज़ें गिवन है, मैंने पहले वो सब चीज़ें गिवन लिख ली हैं, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी हैं ये सब बातें. मुझे शो करना है कि टी आइसोमॉर्फिज्म है. तो आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए मैं जरा पहले एक थोड़ी सी रिकॉल करा दूं थ्योरम 2.8, क्योंकि मुझे ये यूज़ करनी है कि अगर वी और डब्ल्यू दोनों फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं, दोनों के अपने अपने बेसिस हैं, और दोनों की दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, टी और यू बोथ आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, तो एडिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जब आप टी प्लस यू करेंगे तो आपको पता है एडिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो आपकी वो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स होगा दैट इज इक्वल टू दिस. मतलब दोनों का इकट्ठा निकालें या दोनों का अलग अलग करके करें, ये आपने प्रूफ किया हुआ है. ऐसे ही आपको पता है कि आपको कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो उसका जब कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स निकालेंगे तो उस पूरे का निकालें या ए को बाहर करके टी मैट्रिक्स निकाल लें, सिर्फ उसका टी वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स निकाल लें, उससे मल्टीप्लाई करें तो भी सेम आएगा. दिस इज थियोरम 2.8. आई विल बी यूजिंग दिस थियोरम हेयर. तो देखिए, मेरे पास फाई थियोरम, जो फाई जो मैंने ऊपर मैपिंग डिफाइन करी थी उसका, उसके ऊपर मैंने ये एडिशन लगाया फाई ऑफ टी प्लस यू. तो मेरी फाई टी क्या थी, आपने देखा था वो कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स में मैप हो रही है, तो मैंने डेफिनेशन का ही इस्तेमाल किया. तो टी प्लस यू और ये उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स आ गया. अब थ्योरम 2.8 से ये दोनों अलग अलग हो गए मैट्रिसेस, और ये टी वाली जो चीज़ है ये फाई टी है, और यू का जो मैट्रिक्स है दैट इज़ फाई यू. ठीक है, ऐसे फाई ऑफ ए टी निकाल लिया. पहले हमने फाई की डेफिनेशन का इस्तेमाल किया, फिर हमने थ्योरम 2.8 का इस्तेमाल किया तो ये स्केलर बाहर आ गया, और फिर हमने दोबारा से फाई की डेफिनेशन का इस्तेमाल किया तो हमारे को ये मिल गया. तो हमें दोनों चीज़ें हमारी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन फाई के ऊपर प्रूफ हो गई हैं, जो हमारी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो दोनों कंडीशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सेटिस्फाई हो गई, तो मुझे पता चला कि फाई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. राइट बच्चों,
अब मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे वी और डब्ल्यू दोनों फाइनाइट डायमेंशनल थे, तो मैंने दोनों की बीटा और गामा दोनों की ले ली। अभी मुझे ये इक्वल डायमेंशन का नहीं पता, इसलिए इसका सबस्क्रिप्ट एन लिया और इसका सबस्क्रिप्ट हमने एम ले लिया। और मैंने कोई भी एक एलिमेंट लिया कोडोमेन का, कोडोमेन का एलिमेंट मैट्रिक्स होगा। तो आप ये देखिए कि आपको क्या दे रखा है कि गामा जो है वो किसका बेसिस है, डब्ल्यू का बेसिस है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो गामा इज अ बेसिस ऑफ डब्ल्यू गामा। तो इसका मतलब स्पैन करेगा ये पूरे गामा को, गामा विल स्पैन डब्ल्यू। तो अगर मेरे पास अब डब्ल्यू आई जे डैश कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट होगा डब्ल्यू का, तो दैट कैन बी रिटन एज द स्पैन ऑफ गामा, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ गामा लिख सकती हूँ। और गामा के एलिमेंट्स क्या हैं देखो, तो डब्ल्यू आई जे डैश क्या बन जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ गामा। गामा के एलिमेंट्स हैं डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री से डब्ल्यू एम लिया था शायद हमने, तो हमारे को जितने ये एलिमेंट होंगे उतने ही स्केलर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी स्केलर्स आपको मिलेंगे यू कैन राइट डाउन द लीनियर कॉम्बिनेशन विद दो स्केलर्स। सपोज इसका ए वन है, इसका ए टू है, इसका ए थ्री है, इसका ए एम है, तो ये क्या बन जाएगा, ए वन डब्ल्यू वन ए टू डब्ल्यू टू ए एम डब्ल्यू एन। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं ना। अब मैं इन स्केलर्स का नाम कुछ भी रख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास डब्ल्यू आई जे डैश है, तो मैं आई जे के फॉर्म में ही स्केलर लूँगी। तो मैंने क्या किया बेटा, उन स्केलर्स का नाम रख दिया ए आई जे। ठीक है, और वो स्केलर्स के साथ ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमने डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू एम के साथ बना लिया, तो मेरे पास ये डब्ल्यू जे डैश आ गया। क्लियर हो गया सबको। अब देखिए, गामा आपको बेसिस दिया हुआ है डब्ल्यू का, और डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू एम डैश कोई एलिमेंट मिल गए डब्ल्यू के, तो आपने थ्योरम 2.6 की हुई है कि ऐसे केसेस के अंदर जब डोमेन आपका फाइनाइट डायमेंशनल है तो हमें, और उसका बेसिस हमें मालूम है, ठीक है, तो हमारे को क्या मिलता है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाती है टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू सच दैट टी ऑफ वी आई इज इक्वल टू डब्ल्यू आई। तो अब उस डब्ल्यू आई की जगह पे मैंने एलिमेंट्स ले लिए डब्ल्यू जे डैश। ठीक है बच्चों, अब इस डब्ल्यू जे डैश की वैल्यू मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, तो टी ऑफ वी आई इज इक्वल टू दिस आ गया। अब टी ऑफ वी आई इज इक्वल टू दिस, तो देखो टी ऑफ वी वन इक्वल टू आई की जगह वन डाल देना, टी ऑफ वी टू भी मिल जाएगा, टी ऑफ वी थ्री भी मिल जाएगा, आपको सारे मिल गए। जब ये सारे के सारे मिल गए तो आपको मिल क्या रहा है, यहाँ से कोऑर्डिनेट वेक्टर मिल रहा है आपको। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी वी वन इज क्या होगा, ये जो स्केलर्स आ रहे हैं आपके ए आई जे, आई की वेरिएशन कर लेना टी वी आई फॉर ऑल आई, जो भी आपका आई का मिल रहा है फॉर ऑल जे इज इक्वल टू वन टू एन। तो आप इसको क्या करेंगे, ये जो ए आई वन ए आई टू ए आई थ्री ए आई एम तक आपको यहाँ से नंबर मिलेंगे, उसको फर्स्ट कॉलम में प्लेस कर देंगे। फिर आप आई की वैल्यू टू ले लेना, तो ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री करके जो एलिमेंट मिलेंगे उसको सेकेंड कॉलम में प्लेस कर देना। फिर आई की वैल्यू थ्री डालना, तो ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री एम तक जो एलिमेंट मिलेंगे वो थर्ड कॉलम बनाएंगे। इसी तरीके से आई को एन डाल देना, तो और फिर जे की वेरिएशन करना, तो मिलेगा ए एन जे ए ए एन वन ए एन टू ए एन एम, वो आपका लास्ट का कॉलम बनाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से पूरा का पूरा मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा, ए। ठीक है, तो ये टी का जो मैट्रिक्स, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का मैट्रिक्स बना है, ठीक है, तो उस वो किसके बराबर हो गया, फाइव टी के बराबर हो गया। तो मुझे पता चला कि फाइव टी ए के बराबर है। तो इसका मतलब कि मुझे कोई भी, मैंने कोडोमेन का एलिमेंट लिया ए, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, यानी कि हमें उसकी एक प्री इमेज मिल गई है सच दैट फाइव टी इक्वल टू ए। सो दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ ऑन टू। तो हमने प्रूफ कर दिया कि फाइव ऑन टू है। बच्चों देख लें जरा सा कि ऑन टू कैसे प्रूफ किया है मैंने बाय डेफिनेशन। देखो इधर एल वी डब्ल्यू से यहाँ पे था ना, तो ऑन टू की डेफिनेशन कहती है फॉर एनी एलिमेंट इन द कोडोमेन, इन कोडोमेन, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ, मतलब वी आर एबल टू फाइंड एन एलिमेंट इन डोमेन सच दैट फाइ ऑफ द, जैसे मान लीजिए कोडोमेन का एलिमेंट ए और इसका एलिमेंट आपको टी मिल गया डोमेन का एलिमेंट, तो फाइ ऑफ टी शुड बी इक्वल टू दैट एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। कि मतलब हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, वो आपने प्रूफ कर दिया, तो ये ऑन टू बन गया।
क्लियर। अब देखिए, मेरे को ऑन टू प्रूफ हो गया, लीनियर प्रूफ हो गया, अब मुझे क्या करना है, वन वन प्रूफ करना है। तो वन वन प्रूफ करने का बहुत अच्छा तरीका, अब आप अपनी थ्योरम 2.5 का इस्तेमाल कीजिए। पहले मैं जरा थ्योरम 2.5 आपको दिखा दूं। देखिए, टी इज फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वी और डब्ल्यू दोनों इक्वल और फाइनाइट डायमेंशनल हैं, तो हमारी तीन चीज़ें इक्विवेलेंट होती हैं। कौन कौन सी? टी वन वन भी होगा तो ऑन टू हो जाएगा, ऑन टू है तो रैंक टी इक्वल टू डायमेंशन वी, ये तीनों एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं, दीज थ्री आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो अब हमें बेटा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है हमारे पास, हमने प्रूफ कर दिया कि फाई इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और वी और डब्ल्यू दोनों, ये जो भी मतलब डोमेन और कोडोमेन थे, दोनों की डायमेंशंस भी हमें मिल गई हैं, दोनों फाइनाइट डायमेंशनल हैं और दोनों इक्वी डायमेंशनल हैं, और टी हमने ऑन टू, फाई हमने ऑन टू भी प्रूफ कर दिया, तो अब फाई इस थ्योरम से वन वन भी हो जाएगा। तो हमने फाई को वन वन प्रूफ कर दिया, ऑन टू प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब फाई इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर फाई इन्वर्टिबल लीनियर, इन्वर्टिबल और लीनियर हमने प्रूफ ही कर दिया, तो फाई इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो दोनों के बीच में डोमेन और कोडोमेन दोनों उसके आइसोमॉर्फिक होंगे। तो एल वी डब्ल्यू इज आइसोमॉर्फिक टू द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस। सबको समझ आ गई ये बात बच्चों? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आगे देखें क्या है, करॉलरी देख लीजिए। लेट वी एंड डब्ल्यू बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस ऑफ डायमेंशन एन एंड एम रिस्पेक्टिवली, देन एल वी डब्ल्यू इज फाइनाइट डायमेंशनल ऑफ डायमेंशन एम एन। तो देखिए, ये जो मेरा अभी मैपिंग आपने ऊपर देखी थी, फाई फ्रॉम एल वी डब्ल्यू टू एम, दिस अभी आपने इसके अंदर देखा कि ये हमने इस तरीके से डिफाइन करी थी, फाई टी टी बीटा गामा, जहाँ पे बीटा बेसिस था वी का और गामा बेसिस था डब्ल्यू का। तो ऊपर की थ्योरम का अगर हमने इस्तेमाल किया, तो हमें पता चला कि ये दोनों आइसोमॉर्फिज्म बन, या फाई जो है आइसोमॉर्फिज्म बनाएगा, इसका मतलब ये दोनों के दोनों डोमेन और कोडोमेन दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे। आपको पता है कि आपने थ्योरम 2.19 में प्रूफ किया कि जो भी आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेसेस होते हैं उनकी डायमेंशन सेम होती है, तो एल वी डब्ल्यू और इनकी दोनों की डायमेंशन सेम आ गई आपके पास। ठीक है बच्चों, तो ये मेरी को एक कॉरोलरी इसमें प्रूफ करानी थी। तो चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम होगी शायद 2.21, या अभी देखेंगे एग्जाम्पल्स होंगे तो एग्जाम्पल करा देंगे आपको कोई। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।